शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? नो 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 नो, मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार है यहाँ। 14 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुस कर मारता। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली, मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर। अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना खेल, तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240 सर। कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं सर। नमस्कार। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? आप हिंदू हो ही नहीं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, चुप हो गए। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। तो लोग 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इस बार किसी तरह 99। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया सर, देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य, ये देखो सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। आप रूल्स पे मत चलिए, रूल्स पे चलेंगे तो नो। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। तो आजकल बच्चे का मन बहला देखा, काम चल रहा। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो, आप कहते हो ये सब आतंकवादी है। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। ये स्टेटमेंट कर रहे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सड़क पे चल सकता है मंदिर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मंदिर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 7 साल में 70 बार पेपर लिए। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है?
शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है। मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूँ। एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत जोर लगे गए और एक इतना हल्ला मचाया ऑफ द रूल्स, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत। तकलीफ वो है आपको, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%। जेल जानते हैं आप कहाँ है, कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। सभापति जी दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट कर In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. Ek akela, kitno pe bhari pada? आप तो घुस घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस घुस के मार दिया। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं।